तक के इतिहास का, 70 साल के इतिहास का सबसे अच्छा बजट है। इसमें हर वर्ग को सब कुछ कुछ ना कुछ दिया गया है भाई। इस तरह हम जैसे छोटे व्यापारियों को तो टैक्स फ्री हो गए। हम लोग जो पैसे के लिए जो बढ़ाया है 5 लाख रुपए जो करें जिस पर टैक्स नहीं है, ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है और इससे लोगों में बहुत खुशहाली आएगी। एक घर बेच के अगर कोई व्यक्ति 2 घर लेता है तो उस पर टैक्स जो हटाया है वो बहुत सुंदर व्यवस्था करी है गवर्नमेंट द्वारा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी नीतियाँ आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं और इसका नीचे मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के, सभी वर्गों के लोगों को इसमें सबका लाभ मिलेगा। क्योंकि 5 लाख तक का एक लोअर इनकम का आदमी होता है, 5 लाख का मतलब ये हो गया कि 40,000 रुपये महीना जिसकी आय हो तो उसकी 4,80,000 बैठी साल भर की, उसको टैक्स जीरो हो गया। और दूसरी बात यह है कि 1.5 लाख की छूट सेविंग की मिलती है इनकम टैक्स में, चाहे आप PPF में दे रहे हों, चाहे आप LIC में दे रहे हों, चाहे आपने 1.5 लाख के NSC लिए हों, चाहे आपने 1.5 लाख की 5 साल की टैक्स सेवर FDR बनाई हो, इसमें छूट 100% छूट मिलती है। 1.5 लाख की टैक्स रिबेट है तो किसी की 7 लाख की इनकम आती है तो 7 लाख में 2 लाख की छूट उसे हाउस लोन इंटरेस्ट की हो गई, 1.5 लाख की छूट उसकी अपनी सेविंग्स की हो गई, उसके बाद 5 लाख बचे, 5 लाख पे उसका टैक्स जीरो हो गया।